हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। चलते हैं ताजा खबरों की ओर। होटल से कैलाश मंगला की रिपोर्ट देखिए, जहां पर आपराधिक पृष्ठभूमि के तीसरे आरोपी की अवैध संपत्ति पर चला पलवल पुलिस एवं जिला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध शराब तस्करी के साथ साथ हत्या, जानलेवा हमला, मारपीट के करीब एक दर्जन संगीन मामलों में लिप्त आरोपी कपिल द्वारा अवैध तरीके से की गई कमाई से बनाए गए लक्की ढाबा व दुकान को पलवल पुलिस और जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर उसके काले साम्राज्य का अंत किया। आरोपी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के बारे में जिला पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। जिला पुलिस करेगी अब पुरस्कृत। डीएसपी पलवल श्री विजय पाल सिंह ने बताया है कि श्री राजेश दुग्गल आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल के कुशल मार्गदर्शन में एवं नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा संगीन अपराधों में आदतन अपराधी एवं नशा तस्करों के खिलाफ पलवल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आज पलवल पुलिस ने हत्या, जानलेवा हमला, अवैध शराब तस्करी के 11 वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी कपिल पुत्र मामचंद निवासी लालवा थाना सदर पलवल द्वारा इन अवैध कार्यों से संपत्ति अर्जित करके गांव लालवा की भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए लक्की ढाबा, जो अवैध शराब तस्करी का अड्डा बना हुआ था, वह दुकान को ध्वस्त किया है। आरोपी कपिल पर वर्ष 2010 के हत्या एवं मारपीट के दो अलग अलग मामले, वर्ष 2012 का एक मारपीट का मामला, 2016 में एक जानलेवा हमला का मामला, वो 2018 के दो शराब के अलग अलग मामले, वो 2019 के दो शराब के अलग अलग मामले तथा वर्ष 2020, 21 व 22 में एक एक शराब तस्करी का मामला पंजीबद्ध है। आरोपी कपिल कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। आज पलवल पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कपिल द्वारा अवैध तरीके से जो ढाबा बनाया गया था एवं दुकान थी, उसको ध्वस्त करके अपराधी कपिल के काले साम्राज्य को खत्म किया गया है। तोड़फोड़ के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री जीवन दास, नायब तहसीलदार पलवल, जिला नगर योजनाकार श्री देवेंद्र सिंह के अलावा डीएसपी पलवल श्री विजय पाल सिंह, एसएचओ सदर पलवल निरीक्षक कैलाश चंद्र, महिला थाना प्रबंधक निरीक्षक सुशीला देवी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिनकी देखरेख में तोड़फोड़ की सारी कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न की गई है। संवाददाता कैलाश मंगला की रिपोर्ट। मामला यह है कि हमारे यहाँ पलवल जिला के डीटीपी श्री देवेंद्र सिंह ने हमारे से फोर्स की मांग की थी और उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा किया हुआ है जो लक्की ढाबा के नाम से, जिस पर हमने उनको फोर्स दी और वो अकॉर्डिंग टू नियम उसको तोड़ा गया है। जब इसका पता किया गया तो ये इस ढाबे का मालिक कपिल सनोप मामचंद लालवा गांव का है और इस आदमी पे हत्या का प्रयास, लड़ाई झगड़े और एक्साइज शराब का धंधा करने के कुल इस पे 11 मुकदमे दर्ज है, जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है और इसने अपराध करके शराब बेच करके ये जो है इसमें ढाबे में प्रॉपर्टी लगाई है और ढाबा बनाया। तब पुलिस का लगातार अभियान जारी है, टीम में भी कार्रवाई हुई, होटल में भी कार्रवाई हुई, क्या मैसेज देना चाहती है पलवल पुलिस? पलवल पुलिस, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुग्गल जी और हमारे हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल जी के द्वारा यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बदमाश अगर किसी बदमाशी से या किसी अवैध एनडीपीए लोकल एंड स्पेशल लॉ में भुक्की, अफीम, एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्होंने कोई अगर प्रॉपर्टी बना रखी है या कोई सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है। जिसने कोई गलत काम किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।